गोरखपुर कैंट पुलिस ने दो ऐसे साथी लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है जो राह चलते लोगों से मोबाइल लूट कर फरार हो जाते थे। विगत 20 तारीख को रामपुर कारखाना जनपद देवरिया के रहने वाले ज्ञान चंद्र ने कैंट पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि अज्ञात मोटरसाइकिल सवार युवक द्वारा उनका मोबाइल छीन कर फरार हो गए। उनके लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। मामले को गंभीरता को देखते हुए सीओ कैंट अंशिका वर्मा ने पूरे मामले की छानबीन के लिए रेलवे स्टेशन चौकी प्रभारी को लगाया हुआ था। उप निरीक्षक महेश कुमार चौबे और उनकी टीम ने इस घटना का महज 24 घंटे में अनावरण करते हुए घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लूटी गई एक मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त बाइक को बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त रंजीत उर्फ जीनक का एक पुराना आपराधिक इतिहास है। पुलिस ने उनके साथी किशन कुमार को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस घटना का खुलासा करते हुए सीओ कैंट अंशिका वर्मा ने बताया कि घटना को देखते हुए जल्द और सफल अनावरण के लिए रेलवे स्टेशन चौकी प्रभारी महेश कुमार चौबे और उनकी टीम को लगाया गया था। वही टीम ने कड़ी मेहनत और सीसीटीवी फुटेज की मदद से घटना का 24 घंटे में सफल अनावरण करते हुए इसमें शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर लूटी गई मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया है। वही गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। दिनांक 21/4/24 को थाना कैंट पर मोबाइल लूट की सूचना दी गई, जिसके पश्चात हमने थाना कैंट पर 242/24 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत किया। इसके बाद हमने एक टीम बनाई महेश रेलवे चौकी इंचार्ज के नेतृत्व के अंदर, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण किया है। और हम इसमें दो लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं, एक का नाम रंजीत और जीनक है जिसका आपराधिक इतिहास भी है, दूसरा किशन कुमार है, इसने पहली बार लूट में भाग लिया है। और इसके साथ साथ हमने बरामदगी भी की है एक मोबाइल फोन एवं इस अपराध में प्रयुक्त हुई बाइक को भी हमने बरामद किया है और इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। कोई और भी लोगों को अभी दो नाम ही सामने आए, इन्हीं को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।